नमस्कार, बीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी सुनवाई के है आसार। 39 दिन में हिंदू मुस्लिम पक्ष ने 6 प्रमुख बिंदुओं पर रखी दलीलें। राजस्थान के सिरोही में विवाहिता के साथ जबरन बलात्कार का मामला आया सामने, पुलिस के हत्थे चढ़ा बलात्कार। राजधानी जयपुर में दुकानदार को गोली मारने का मामला आया सामने, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 अभी भी है फरार। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी सुनवाई के आसार नजर आ रहे हैं। अयोध्या विवाद पहली बार साल 1885 में कोर्ट पहुंचा था। निर्मोही अखाड़ा 134 साल से जमीनी हक पर मालिकाना हक मांग रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी 58 साल से यही मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। अब 8 साल बाद अयोध्या विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई का आखिरी दिन हो सकता है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब 4 या 5 नवंबर को फैसला सुना सकता है। अब तक इस सुनवाई में विवादित भूमि के मालिकाना हक से लेकर रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति मानने के मुद्दे तक 6 प्रमुख बिंदुओं पर दोनों पक्षों ने दलील रखी है। अब राम जन्मभूमि को लेकर क्या नतीजा आता है, ये तो समय निर्धारित करेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में आइसक्रीम पार्लर चलाने वाले दुकानदार को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां रेनवाल के रहने वाले 2 बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों का पीड़ित के साथ लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। दुकान के मालिक की तरफ से इनकार करने पर बदमाशों ने गोली मारने की योजना बनाई। तभी आपको बता दें कि वारदात के वक्त कार में करीब 5 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 के तलाश में पुलिस जुट गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि गत 29 सितंबर को मालवीय नगर में आइसक्रीम पार्लर पर बैठे हनुमान शर्मा को गणेश शर्मा ने प्लॉट दिलाने के बहाने अपने साथ कार में बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद एक चाय की दुकान पर उसने कार रोकी तो वहां से 3 लोग कार में और चढ़ गए। आरोपियों ने मुहाना थाना इलाके स्थित नेवटा के पास स्थित कार में खड़ी कर दी और वहां बैठे हनुमान पर फायर करना शुरू कर दिया। राजस्थान के ओसिया में मारवाड़ की कला और संस्कृति के साथ यहां 2 दिवसीय मारवाड़ समारोह का समापन हुआ, जिसमें रेतीले धोरों की तलहटी में पर्यटन और जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित मारवाड़ समारोह में प्रदेश भर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों ने सभी देशी और विदेशी पर्यटकों और ग्रामीणों का मन मोह लिया। समारोह को देखने के लिए हजारों की तादाद में पर्यटक और आसपास के गांवों से ग्रामीण उमड़े। रेतीले धोरों की तलहटी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ राजेंद्र परिहार ने शहनाई वादन से किया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भवाई नृत्य, राजस्थान गायन, चकरी, भपंग वादन, चरी, लंगा गायन, कालबेलिया नृत्य, फूलों की होली नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति देकर सभी पर्यटकों और ग्रामीणों का मन मोह लिया। तो वहीं पंडाल में मौजूद दर्शकों ने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का हौसला अफजाई किया। आपको बता दें कि समारोह स्थल के पास रेलवे ट्रैक होने की वजह से स्थानीय प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ट्रैक के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर स्थानीय पुलिस के अलावा 4 अधिकारी, CI पुलिस और RLC के जवानों की तैनाती की गई। तो इस दौरान पर्यटन विभाग जोधपुर उप निदेशक भानु प्रताप सिंह, सहायक निदेशक सरिता फिलोडा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी राजेंद्र चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी नारायण शर्मा, तहसीलदार रामेश्वर छाबा, तिवरी तहसीलदार दीपक सांखला, हीरा राम चौधरी, तो वहीं राजू शर्मा, शारदा व्यास सहित हजारों की तादाद में पर्यटक और ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान के सिरोही में आबू रोड स्थित सदर थाना पुलिस ने 3 महापूर्व कुई निवासी एक आदिवासी विवाहिता से बलात्कार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि विवाहिता का 2 लोगों ने अपहरण कर बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
माउंट आबू पुलिस उप अधीक्षक प्रवीण कुमार ने मामले की जांच एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ जारी है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया, 26 जनवरी की रात अर्जुन भील और एक अन्य आरोपी ने उसे जबरन शराब पिलाकर कतार की नोक पर जान से मारने की धमकी देकर अपहरण कर उसका बलात्कार कर लिया। तो वहीं राजधानी जयपुर में शिप्राबाद थाना इलाके के दुर्गापुरा स्थित बीएमबी होटल की तीसरी मंजिल पर मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग होटल की बेकरी विंग में लगी थी। यहां पैनल में शॉर्ट सर्किट होने से नजदीक रखे माइक्रोवेव ने आग पकड़ ली और पलभर में आग पैकिंग के लिए रखे गत्तों तक पहुंच गई। हादसे के समय बेकरी विंग में 4 कर्मचारी काम कर रहे थे। होटल कर्मियों ने फायर उपकरण से आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग बढ़ रही थी। तभी सूचना पर पहुंची 3 दमकलों में 2 का पानी टैंक पर फेंका गया। पुलिस के अनुसार होटल के मैनेजर श्रीधर ने बताया कि हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। हादसे के समय होटल में पूरा स्टाफ अपना अपना काम कर रहा था। बेकरी में काम करने वाला स्टाफ पहले डर कर बाहर भाग गया, बाद में अन्य स्टाफ के साथ फायर उपकरण से आग बुझाने में जुट गए। समय रहते दमकल ने पहुंचे और 2 दमकल से आग पर काबू पा लिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर जयपुर के रहने वाली डॉक्टर आरती को भारतीय शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि एमएल खट्टर, समारोह की अध्यक्षता अजीत वीर सिंह, यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन गुरुग्राम विशेष अतिथि पूजा यादव, मिस इंडिया साल 2018 विश्व प्रसिद्ध रॉक स्टार जेम्स मौजूद रहे। समारोह में पूरे भारत के 21 शिक्षकों को दिव्यांगों, बुजुर्गों और बच्चों के प्रति श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में पूरे भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डॉक्टर आरती मीणा वर्तमान में राजकीय माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय टोंक जिले में वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। तो वहीं राष्ट्रीय और जिला कलेक्टर पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। बहरोड के डीएसपी अतुल साहू और बहरोड थानाधिकारी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदयपुर में ठगी कर भाग रहे कुख्यात बदमाश गुरुप्रीत सिंह को पकड़कर उदयपुर पुलिस को सौंप दिया है। तो वहीं आरोपी उदयपुर पुलिस का मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ उदयपुर और चंडीगढ़ में भी गबन के मामले दर्ज है। आरोपी के कब्जे से 2,60,000 रुपए और 4 मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं। दरअसल पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी करते हुए मोस्ट वांटेड आरोपी को पकड़ा है। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। इसके बाद बहरोड पुलिस ने उच्च अधिकारियों के साथ ही उदयपुर पुलिस के अधिकारियों को सूचित किया, जिस पर पुलिस की एक टीम ने बहरोड थाने पर पहुंची, जहां पर टीम द्वारा लगातार आरोपी से पूछताछ करने के बाद आरोपी को उदयपुर के लिए रवाना हो गई। सर, आज जो कार्रवाई की थी, क्या मामला था, किस तरह? आज हमें सूचना मिली, उदयपुर पुलिस ने सूचना दी कि एक संदिग्ध व्यक्ति जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा है, जिसके पास टोयोटा कोरोला अल्टिस गाड़ी है और वो संदिग्ध है, जिसका पकड़ा जाना आवश्यक है, जिस पर हमारे एसपी साहब श्रीमान अमनदीप कपूर साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान सिद्धांत शर्मा के निर्देशन में मैंने सीओ बहरोड और एसएचओ बहरोड द्वारा बहरोड में तो नाकाबंदी करवाई गई। इसी के साथ साथ जिले में भी जो NH-8 पर जो थाने हैं उन सभी द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी करने के बाद उस गाड़ी का जब हम इंतज़ार कर रहे थे तो वो गाड़ी सीओ कार्यालय के सामने से जब जा रही थी तो उसकी पहचान, उसकी गाड़ी के हुलिये के हिसाब से उसकी पहचान की गई और संदिग्ध को पकड़ने का प्रयास किया गया। संदिग्ध जो व्यक्ति था वो हाईवे की तरफ से कस्बे की तरफ भागने लगा। तकरीबन 1 किलोमीटर उसका पीछा करने पर मेरे द्वारा और एसएचओ के द्वारा उसका पीछा किया गया और उसको डिटेन किया गया। उस संदिग्ध व्यक्ति के पास से तकरीबन 2,60,000 रुपये कैश, कुछ ATM कार्ड, एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और एक उसका स्वयं का आधार कार्ड ये मिले थे। इस संबंध में हमने उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम को सूचना दे दी और वो सूचना पर उस टीम के द्वारा उस संदिग्ध को डिटेन कर लिया गया है। जयपुर के पास स्थित बास्को कस्बे में तीसरे दिन भी बाजार पूरी तरह बंद रहा। बास्को को पंचायत समिति बनाने के
बारे में मंगलवार को डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पंचायत समिति बनाने के लिए अवगत करवाया और उन्होंने विश्वास भी दिलाया। इस अवसर पर बांस्को कस्बे के मठ महादेव बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। जब तक बांस्को को पंचायत समिति नहीं बनाया जाएगा तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच मंगलाराम मीना और संघर्ष समिति के सदस्य और ग्रामीण लोग मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए VMR भारत TV।